वॉइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप बताइएगा ज़रूर। तो दोस्तों आज लगने वाली है कोरोना वैक्सीन। तो दोस्तों अभी मैं जल्दी जल्दी तैयार हो लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कि क्या क्या प्रोसेस था और क्या कैसे कैसे रहा। तो दोस्तों इस ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस ब्लॉग में आपको नॉलेज होगी और एक्सपीरियंस वैक्सीनेशंस होगी। तो दोस्तों इसको ध्यान से देखिएगा इस वाले ब्लॉग को ताकि इस मोटिवेट हो जाए कि ताकि आप भी कोरोना वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि कई लोग कई प्रकार की बातें बनाते हैं कि ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है। चलो देखते हैं एक्सपीरियंस की कैसे क्या होता है। चलो इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा एंड तक, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब। तो दोस्तों जो डिस्पेंसरी है तो वहीं पे ही वैक्सीनेशंस होगी कोविशील्ड की, तो वहाँ के लिए हम जा रहे हैं। तो दोस्तों प्रॉपर बेसिक मास्क यूज़ कीजिए, ऐसा मत सोचिए कि अगर आप कोरोना वायरस की वैक्सीनेशंस करवा लेते हो उसके बाद आप सेफ हो। तो दोस्तों ये तो 80% है और 20% तो आपको 20% आपको प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी और प्रॉपर वे से मास्क यूज़ करना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे ही आप डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल पहुंचते हैं वहां पे आपको नंबर दिया जाता है कि रो वाइज आना है, नंबर वाइज आना है। देखो दोस्तों ये रो लगी है यहां से, जैसे कि ये 10 थे और इसके अगले 10 हम होंगे। तो दोस्तों 10-10 का ही यहां पे स्लॉट खुलता है और पहले 18+ को जैसे कि 10 होते हैं, फिर 45+ के 10 होंगे। तो ऐसे ऐसे वैक्सीनेशन यहाँ पे दोस्तों रजिस्ट्रेशन और जो एंट्री होती है वो यहाँ से हो रही थी और सभी ने यहाँ पे देखो दोस्तों प्रॉपर वे से मास्क यूज़ किया था। क्योंकि ऐसा मत सोचो, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ऐसा मत सोचो कि अगर आप वैक्सीनेशन करवा देते हो आप सेफ हो। 20% आपको बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया यहाँ से रजिस्ट्रेशन हो रहा है और जो साथ में है यहाँ पे दोस्तों वैक्सीनेशंस हो रही थी। तो दोस्तों अब मेरे को होगी वैक्सीनेशंस। तो दोस्तों वहाँ पे मैंने फ़ोटो नहीं लग रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग थे अंदर। तो दोस्तों ये देखो दोस्तों, तो दोस्तों साथ में एक और इंफॉर्मेशंस है कि आप अपना आधार कार्ड और फ़ोन नंबर ज़रूरी से ले जाएं, क्योंकि आधार कार्ड से आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है और आपका जो फ़ोन नंबर है उसमें आपको कंफर्मेशन आ जाती है कि आपने कोविड वैक्सीनेशन करवा ली। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों अभी दोस्तों थोड़ा सा वो मेरे से बात कर रहे थे जो डॉक्टर्स थे और मेरे को एकदम से इंजेक्शन लगा दिया और होगी मेरी वैक्सीनेशन। तो दोस्तों चलिए मेरी वैक्सीनेशन हो गई और यहाँ पे पड़ गया है रस। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बोल रहा था कि मैंने फोटो नहीं ली क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। ये जो दोस्तों वहाँ पे बैठे हैं दिख रहे हैं आपको, इन्होंने वैक्सीनेशंस करवा ली है क्योंकि 15 या 20 मिनट तक यहाँ पे बिठा के रखते हैं कि कोई इफ़ेक्ट होता है तो ये मेडिसिन वगैरह दे दे साथ साथ में, क्योंकि कई प्रकार की वैक्सीनेशंस हो रही है जैसे कि कईयों को बॉडी में इफ़ेक्ट हो रहा है कईयों का। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों अब हो चुकी है भीड़, तो यहाँ से हम जा रहे हैं अपने घर की ओर। तो दोस्तों पूरा ब्लॉग देखिएगा, लाइक कमेंट से ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों किसी ने मेरे से कमेंट में पूछा था कि आपके रोड पे जो आपके होम टाउन का रोड है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रक है, क्योंकि दोस्तों ये जो आपको धार दिख रही है इससे परे की ओर अल्ट्राटेक बागा सीमेंट फैक्ट्री है जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रक होते हैं, इस रोड पर ट्रक का ही ट्रैफिक होता है। तो दोस्तों ये जो बाउंड्री है ये है लास्ट बाउंड्री ऑफ बिलासपुर जिससे परे की ओर सोलन पड़ता है। तो जैसा कि मेरे से पूछते हैं कई बार कि सोलन कहाँ से हैं, तो दोस्तों इस बाउंड्री के आसपास से हैं हम। तो यहाँ पे दोस्तों अब हम जा रहे हैं घर की ओर। तो दोस्तों मैं पूरा रूटीन बताऊँगा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है।
तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे थे कि कई ऐसे जो कि वैक्सीनेशन के लिए डर रहे थे वहाँ पे, तो वहाँ पे पूछ रहे थे कि कैसा इंजेक्शन था, क्या था। तो दोस्तों हम मजाक मजाक में बोल रहे थे कि जैसे कि रॉड होती है उसी की तरह है, बट दोस्तों जस्ट फॉर जोक फिर हमने बोला कि नहीं, नॉर्मल है, पता नहीं लगता है, वैसे वैक्सीनेशन हो जाती है उसके बाद भी। तो दोस्तों मैं आपको पूरा बताऊंगा, तो दोस्तों प्लीज़ ब्लॉग पूरा देखिएगा। हाँ जी दोस्तों, मैंने लगवा दी कोविशील्ड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा कि कैसा कैसा एक्सपीरियंस है मेरा इसके बारे में। और वैसे ज़्यादा पेन तो होती नहीं है, नॉर्मल इंजेक्शन होता है। वैसे कई सारे लोग डरते रहते हैं इसके बारे में, सोचते रहते हैं कि बताएं कैसी है कोविशील्ड। वैसे अच्छी थी जैसा कि आपको मैंने बताया। पहुंच गया मैं, अब देखता हूँ, मैं पूरा ब्लॉग बनाऊंगा इसके बारे में। प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट कीजिएगा चैनल को, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों ये जो कोविशील्ड है, ऐसा मत सोचना कि अगर आपने ये वाली लगवा दी है तो आपको कोरोना वायरस नहीं होता। तो दोस्तों ये मिथ है, ऐसा मत सोचना। तो नॉर्मल ही है, अभी तो कुछ हुआ नहीं है, वैसे एक आधा घंटा हो चुका है कोविशील्ड को। तो देखता हूँ कि क्या होता है और कैसा एक्सपीरियंस रहता है। वैसे कि अच्छा ही है, वैसे कोई पेन नहीं हुई इतनी। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा नर्वस हो चुका था, बट आफ्टर वैक्सीनेशन थोड़ा, बट ऐसे लग रहा है जैसे कि नींद जैसी आ रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे सो जाऊँ थोड़ी देर। तो देखता हूँ सोने के बाद कहीं बुखार ना चढ़ जाए। चलो बताता रहूँगा आपको कैसा रहा एक्सपीरियंस कोविशील्ड का। तो जिसने लगवाई है वो भी बताए, और जिसने नहीं लगवाई है वो भी अपनी क्वेरी दे दीजिए अपने कमेंट बॉक्स में। मैंने रेस्ट किया थोड़ी देर, तो मुझे थोड़ा सा भी बुखार नहीं लगा, बट थोड़ी सी ऐसे लग रहा था जैसे कि सोना है, तो इसलिए मैं सोया। और एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ आपको कि कैसा होता है कोरोना वैक्सीन के बाद। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको हर बार ही बोलते आ रहा हूँ, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। मैंने बोला था कि मैं आपको कोविड वैक्सीनेशन के बारे में बताऊँगा कि कैसा रहा एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस वैसे अच्छा ही रहा। मेरे को रात को बुखार आया था थोड़ा, जैसे कि नॉर्मल था, और उसके बाद अब ठीक है कंडीशन। तो दोस्तों ऐसा मत सोचना कि ज़्यादा बुखार आता है, कईयों को आता है और कईयों को नहीं आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे को आया थोड़ा सा कुछ परसेंट वो भी रात को, और उसके बाद सुबह बहुत, जैसे कि उसने मेरी दिक्कत हो गई थी, पेन हो रही थी पूरी बॉडी में। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा हमें जैसे कोई भी मेडिसिन होती है उसके कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट होते ही है बॉडी में। तो दोस्तों हमें ये वैक्सीनेशंस करवानी चाहिए, और आप भी करवाओ, अगर जिसने नहीं करवाई हो करवा दे जल्दी से जल्दी, क्योंकि ऐसी कुछ स्टेट है वहाँ पेड स्लॉट मिल रहा है। तो दोस्तों जब हमें फ्री का मिलता है कुछ तो हम इतनी वैल्यू नहीं करते, जब हमें पैसे देने पड़ते हैं तो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। तो दोस्तों देख लो, अगर फ्री में वैक्सीनेशंस हो रही है कोविशील्ड की, तो आपको दोस्तों लेनी चाहिए कोविड वैक्सीनेशंस। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा, जैसे कि बैड एक्सपीरियंस तो है ही नहीं, थोड़ी सी पेन होगी। तो दोस्तों आप सेफ हो 80% अगर आप कोविशील्ड लगा लेते हो। तो दोस्तों मेरी यही राय है, तो प्लीज़ वैक्सीनेशन करवा लें। तो दोस्तों वैक्सीनेशन करवाने के लिए आप आधार कार्ड ले जाएं, और साथ में आपका फ़ोन नंबर होना जरूरी है। तो दोस्तों मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया, आई होप आपको अच्छी लगी हो वीडियो।
वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, सपोर्ट मी। तो दोस्तों एक और सूचना है, जैसा कि कई ऐसे लोग होते हैं, कई ऐसे पर्सन हैं जिनका आधार कार्ड नहीं है, तो अपना वोटर कार्ड ही ले जाएं 80 प्लस वाले।